हेलो एंड वेलकम अगेन। और हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं जहां पर पिछली बार मैंने छोड़ा था कि पब्लिक गुड्स के ऊपर हम ओपिनियन पब्लिक का किस तरह हासिल करें और पब्लिक की चॉइस किस तरह हासिल करें, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, एक मॉडल जो अर्लियर 20th सेंचुरी, टू बी वेरी प्रिसाइज 1919, जो एरिक ये स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने 1919 में एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क दिया था कि डेमोक्रेसी में इस बात के ऊपर अगर आप पब्लिक की चॉइस ले रहे हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी, इसके लिए तो डेमोक्रेसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों होती है वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम पब्लिक की चॉइसेस ले सकते हैं और उससे एक, जिसको हम लिंडहाल प्राइस कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, उस पे पहुंच सकते हैं कि जहां पर पब्लिक की यूनैनिमिटी है और उस यानी उसके प्राइस के ऊपर कौन कितना पे करेगा किस सर्विस के लिए। ठीक है, तो इसको लिंडहाल प्राइस और ये उसूल है बेसिकली यूनैनिमिटी रूल। ठीक है, अच्छा अब ये लिंडाल भाई साहब कहे क्या रहे हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी इसको भी क्लियर कर दूं कि जब कभी भी, क्योंकि ये चीजें मुझे बॉदर करती थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बात दो इंडिविजुअल पे लेके कर रहे हैं कि दो में यूनैनिमिटी हो गई, बहुत तीर मार दिया, तो दो में तो यूनैनिमिटी को कर लेना, लेकिन आप इसको इस तरह से माने कि दो जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारे लोगों के। ठीक, सपोज 100,000 लोग हैं, 100,000 लोगों के लिए कुछ काम होना है और उसमें 50,000 को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, 50,000 को दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी की भी शक्लें बहुत सारी होती हैं। जिसको आप ट्रू डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अक्सर हिंदुस्तान में ही जो इनके जो मोदी जी के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई उनको वोट तो 37% ही मिला है, इसका मतलब 63% लोगों ने वोट नहीं दिया उनको, या किसी पार्टी का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर स्टेट में है, वहां पर्टिकुलर स्टेट में ढेर सारा 60% वोट लेती है, हिंदुस्तान भर में वो नहीं ले पाती है, तो लेकिन गवर्नमेंट तो बनाती ही ना एक स्टेट में। तो ये सारी डेमोक्रेसी की शॉर्टकमिंग्स हैं और इस शॉर्टकमिंग्स की वजह से भी कुछ इस तरह के सवाल उस बात पे, प्रोसेस पे प्रोसीजर पे उठते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन सारी खराबियों के बावजूद उससे बेहतर सिस्टम कोई सजेस्ट नहीं कर सका, उसी में इंप्रूवमेंट की कोशिशें होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एक ये सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, जैसे इजरायली वो है, इजराइल में क्या सिस्टम है डेमोक्रेसी का, बहुत सारी पार्टीज हैं वहां पर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं और जिस पार्टी के जितने परसेंट वोट आ गए उसको उतनी सीटें अलॉट हो गई। मेरी छोटी सी पार्टी है, मैंने 10% वोट लिया, मेरी 10 सीटें, मेरी 10% सीटें, नॉट 10, जितनी भी है उसके अंदर हाउस के अंदर, उसके 10% सीटें मेरी, तो ये एक सिस्टम है उनका। और उसी वजह से पिछले कितने साल में कितनी बार इलेक्शन हो चुके वहां पर, क्योंकि कोई मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन रही है। एक सिस्टम बहुत सारी पार्टीज के अंदर होता है, ये शायद फ्रांस के अंदर भी सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, के अगर कोई पार्टी 50% प्लस 1 वोट अगर नहीं ला रही है तो फर्स्ट सेकंड सिस्टम में दोबारा इलेक्शन होगा। ये यूके के अंदर पार्टीज में तो है कि अगर कोई भी कंटेंडर जो है, अगर दो ही हैं तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो एक का हर हाल में 50 प्लस होगा वोट, एक आदमी का दो ही है, लेकिन अगर दो से ज्यादा कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट वोट लिया जाएगा वो दो के बीच में लिया जाएगा, एक तरीका ये है। बहरहाल हम उन सब तरीकों पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आफ्टरऑल बहरहाल पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं है, क्लास तो इकोनॉमिक्स की है, लेकिन ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिवोर्स्ड। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स साथ साथ चलती है और जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स भी अपना रोल प्ले करती है, या जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती हैं उसमें भी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस
अपने पॉलिटिकल कंसीडरेशन तो, लेकिन फैसला फॉर एग्जांपल बजट बन रहा है, तो बजट तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्सरसाइज है और उसको उस हिसाब से बनना चाहिए कि बिल्कुल जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हैं, लेकिन समझौते वहां पर होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है। एक बार एक प्रोफेसर आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में, मैं इससे थोड़ा सा इसको जस्ट टू पुट द थिंग्स इन परस्पेक्टिव, एक प्रोफेसर आए थे मिस्टर भट्टाचार्य, बीबी भट्टाचार्य, सीनियर मशहूर इकोनॉमिस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो लेक्चर दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि प्री बजट सेशन में दिल्ली में एक एक्सरसाइज होती थी, अब भी होती होगी, कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करते हैं उनके सजेशन के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की गई। एक ने सजेस्ट किया होगा कि जो वैसे अनपॉपुलर चीज़ें होंगी, और तो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब उनको क्या था मालूम है कि प्रोफेसर यू डू नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, वी डू। मतलब आपको पब्लिक के सामने आपको इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, आप तो जो भी चाहो, बहुत जो बिल्कुल इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म है उसके ऊपर जो इकोनॉमिकली राइट चीज़ है, लेकिन हमें तो ये भी देखना है कि पॉलिटिकली करेक्ट क्या चीज़ है, तो बेसिकली उस चीज़ का बैलेंस वगैरह। बहरहाल ये तो मजाक की बातें हैं, जस्ट टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग, ताकि आपका जी लगा रहा है इसमें, क्योंकि कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई सी चीज़ें होने लगी हैं। ओके, कमिंग बैक टू वर टॉपिक, लिंडहाल मॉडल। तो लिंडहाल ने सजेस्ट किया कि दो बंदे हैं खाली जिनसे हमें चॉइस ली नहीं है, अब उन दो बंदों से इनको एग्री कराया जा सकता है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जहां पर एक यूनैनिमिटी आ जाए, यानी दोनों एग्री कर जाए उससे कॉस्ट ऑफ प्रोविजन को शेयर करने के लिए। एक ऐसी चीज चूज करते हैं सपोज जो आसानी से क्वांटिफाई भी हो जाए, यानी नंबर टर्म्स में। मान लीजिए नंबर ऑफ रॉकेट्स, कोई आइटम सेलिब्रेट हो रहा है दिल्ली में हो रहा है या और छोटे शहर में हो रहा है 26 जनवरी के ऊपर या 15 को सेलिब्रेशन होना है, तो जाहिर है कि फायर वर्क के लिए एक रॉकेट्स को हमें करना है, तो एक हो, दो हो, दस हो, कितने हो। अच्छा, अब सपोज दो बंदे हैं, हम दो बंदों को एक सौ वाई कह लें या ए और बी कह लें, ए एंड बी, ये दो पर्सन हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। आप चाहें तो राम रहीम कह लें, आप चाहें राम लक्ष्मण कह लें, आप चाहें तो जो चाहें कह लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन दो बंदे हैं ये। अब दो जाहिर पब्लिक गुड भले ही सब लोग कंज्यूम बराबर की करें, लेकिन सबकी च्वाइस अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी च्वाइस ये हो सकती है कि सड़कें अच्छी हों, सिविक एमिनिटीज बहुत हो, साफ सुथरा शहर लगे। दूसरे की च्वाइस ये हो सकती है कि साहब पब्लिक एनवायरनमेंट को पर ज़्यादा खर्च कर, दिल्ली में हर साल हाई तोबा रहती है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गया है। किसी की ख्वाहिश ये हो सकती है कि गंगा जमुना की क्लीनिंग बहुत अच्छी हो, किसी की हो सकती है डिफेंस पे ज़्यादा हो ताकि हम स्ट्रांग बने। च्वाइस किसी मेरे लिए क्या ज़्यादा प्रीफर्ड है, किसी के लिए क्या ज़्यादा प्रीफर्ड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मिसाल के तौर पे अगर इस बात के लिए वोट लिया गया कि सिविक एम्यूनिटीज पे कितना खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो एक आदमी जिसको सिविक एम्यूनिटीज ज़्यादा अजीज है वो उस पर ज़्यादा कॉस्ट शेयर करने के लिए तैयार हो जाएगा, और दूसरा जो है वो कम हो जाएगा। तो हम लेते हैं रॉकेट की लेते हैं, फायर वर्क के लिए कितने क्रैकर्स वो कितने हम उसे लॉन्च करेंगे, और ताकि एक अच्छा सा फायर वर्क हो 26 जनवरी के मौके पे। ये कहा गया मिस्टर ए से कि आपको 30% कॉस्ट जो है इसकी आपको शेयर करना है। ओके, अब 30% कॉस्ट अगर शेयर करना है तो ए का शेयर कितना बनेगा, यानी 0.3 मल्टीप्लाइड बाई द प्राइस ऑफ रॉकेट्स, PR बना दी, ये उसकी कॉस्ट होगी, प्राइस ऑफ रॉकेट पर यूनिट और जितने भी रॉकेट्स होंगे वो, यानी अगर 10 रॉकेट हैं तो 10 रॉकेट के अगर एक की 10 है तो 100 हो गए वो, और उसकी 30% इसको शेयर करना है, तो ये उसकी कॉस्ट। और जो डिमांड के दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में ही पढ़ा होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, तो अदर थिंग्स क्या है वो यहां भी प्ले करेंगी कि इसके कॉस्ट हमारी, यानी इसका प्राइस प्लस प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, मेरा टेस्ट, मेरा वो मेरी प्रेफरेंसेस, मेरा टेस्ट, प्राइस ऑफ और दूसरी कमोडिटीज क्या चीजें हैं उसके हिसाब से मेरी कुछ प्रेफरेंसेस होगी कि अगर दो रॉकेट लॉन्च किए गए तो मैं मतलब इतने प्राइस के ऊपर मैं इतने, तो
मैं पहले इनका मिस्टर ए का एक बनाए लेता हूं। अच्छा, कॉस जो भी है वो हम उसको कहते हैं शेयर, ये इनका शेयर आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ रॉकेट्स लॉन्च्ड और उनके प्राइस, और ये हो जाएगा शेयर ऑफ शेयर फॉर द रॉकेट ऑफ मिस्टर ए, और ये प्लस नंबर ऑफ शेयर ऑफ द रॉकेट्स फॉर मिस्टर बी, ये दोनों मिला के वन ही होना, यानी पूरी कॉस्ट तो वही दो शेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ये दो ही, अगर जैसे आसानी के लिए तो हम अज्यूम कर लेते हैं दो ही लोगों की इकोनॉमी है, दो लोगों की थोड़ी होती है, लेकिन दो लोग सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो अब हम यहां पर इनको ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं, यहां पर इस पे लेते हैं नंबर ऑफ रॉकेट्स, नंबर ऑफ रॉकेट्स लॉन्च्ड कितने कितने डिमांड होगी, और यहां पर हम ले रहे हैं इसके ऊपर शेयर ऑफ ए, ऐसे करके हमने हॉरिजॉन्टल लिख दिया, उसकी वजह यह है कि हम इसको ए का यहां पर इस तरह से ले रहे हैं, बल्कि इसको हम यहां पर लिख लें एस ए। ओके, अच्छा तो ये तो ए का हो गया, और ए का एक तरह का डिमांड कर्व हो गया, जाहिर है तो सिंपल सी चीज है कि एक डिमांड कर्व है, अगर उसकी उसके पैसे कम होंगे उसका शेयर कम होगा तो ज्यादा रॉकेट्स की डिमांड करता रहेगा, और यह है उसका शेयर अगर कम आ रहा है निकल के तो वो ज्यादा करेगा, शेयर कम है तो ज्यादा की करेगा, शेयर ज्यादा है तो कम करेगा। सपोज अगर ये पॉइंट अगर निकल के आ रहा है तो वो उसका मतलब यह है कि यहां पर उसका शेयर आ रहा है और ये इतने रॉकेट जो भी हो 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000 अच्छा अब बी को हम कहां फिट करें इस ग्राफ में, एक तरीका यह है कि बिल्कुल रिवर्स बॉक्स में डायग्राम बना ले, लेकिन एक तरीका उसका और भी है, इसी तरह से हम शेयर ऑफ बी इन, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसका स्केल जो है वो उल्टा चलेगा, जैसे यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 10, 10, 100, 200 वाला, और इसका ऊपर से नीचे चलेगा, ठीक है। तो इनका डिमांड कर सपोज कुछ इस तरह का बन जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसकी कॉस्ट ऊपर से नीचे शुरू हो रही है, मतलब कम जो है यहां पर है ज्यादा इधर है, क्योंकि इस वाई एक्सेस के ऊपर हम कॉस्ट जो कि दोनों इंडिविजुअल्स बियर करेंगे उसको मेजर कर रहे हैं, यहां नंबर ऑफ रॉकेट्स को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पॉइंट जहां पर दोनों चीजें वो हो रहे, उनको भी इसी तरह का कुछ दिया गया कि आपको इतनी देना है, इतना शेयर आपको देना पड़ेगा, आपके तेर वो करते हैं, ये उनका डिमांड कर होगा, जैसे मैंने 0.3 यहां पर कर दिया, उनकी भी कोई कॉस्ट उनको बता दी गई, क्योंकि हमें जो भी उनकी प्रेफरेंसेस रही हो जो इलिसिट की गई, ये एक प्राइस बन के आते हैं जो के ये क्या बताते हैं कि ए जो है वो इतनी कॉस्ट शेयर करेंगे, और इसको अगर हम यहां से कर दें ताकि लगे कि क्लोज है यहां पर, और बी भाई साहब जो है वो इतनी कॉस्ट शेयर करेंगे, तो ये प्राइस जो है ये एक यूनैनिमिटी प्राइस बन जाएंगे, यानी इस प्राइस के ऊपर वो यानी इतने रॉकेट होंगे और उसकी जो कॉस्ट आएगी इतनी कॉस्ट एक आदमी शेयर करेगा और दूसरा आदमी इतने। तो लिंडाल का कहना ये था कि ये मेजोरिटी, सॉरी ये यूनैनिमिटी पॉसिबल है कि कंसेंसस बन जाए, ठीक है। अब कहां तक प्रैक्टिकल है, जाहिर है बहुत सारे सवाल तो एकदम से सामने आ जाएंगे, लेकिन एक आदमी बताता हूं जो कि थोड़ा सा, एक तो यह है, अच्छा यह ऑपरेट किस तरह से होगा, जाहिर है एक प्राइस अनाउंस किए जाएंगे कि भाई आपकी कॉस्ट इतनी, आपकी कॉस्ट इतनी, अब बताइए, अब उसमें कोई ऐसी बन नहीं पा रहा है कि पूरी कॉस्ट रिकवर हो रही, कॉस्ट तो पूरी रिकवर ही नहीं दोनों से होना है, फिर कोई ऑक्शनर दूसरा प्राइस देगा उससे कितना होना है, अल्टीमेटली एक प्राइस वहां पर पहुंच जाएंगे जो कि यूनैनिमिटी होगी दोनों में, और उस यूनिट के ऊपर कंज्यूम होगा, रॉकेट एक ही होगा, अगर 10 होने तो 10 ही होंगे, 2 होने तो 2 होंगे, उसी को एंजॉय करेंगे, आतिशबाजी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फायरवर्क। अच्छा, अब इसमें एक तो प्रॉब्लम यह है कि एक टाइम टेकिंग तो है ही है, एक ऑक्शनर है, पहले एक प्राइस दिए, फिर दूसरे प्राइस दिए, फिर तीसरे प्राइस दिए, जब तक कि यूनैनिमिटी ना हो गई, जबकि एक्सपेंडिचर इस तरह के तो है नहीं कि इस तरह से उसको एक्सरसाइज किया जाए, इवन पार्लियामेंट में भी बैठ के ऐसा थोड़ी स्पीकर लेके, हाँ भाई ये प्राइस है, कोई ऑक्शन हाउस तो है नहीं, तो एक तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम थ्योरेटिकली मान लें कि चलिए ये पॉसिबल हो भी जाएगा, तो इसमें जो एक बहुत बड़ा वो है, इसमें भी एक प्रॉब्लम वो ये है कि ये दोनों बंदे
यानी मैंने उस वाला जो वीडियो है जिसका मैंने रेफरेंस दिया है आपको, जो पब्लिक और प्राइवेट गुड्स है, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये एलोकेशन जो है वो मार्केट के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि डिफरेंट प्राइस सेम गुड, यहाँ भी तो वही हो रहा है, एक दो आदमी अलग अलग तरह से कॉस्ट शेयर कर रहे हैं उसकी, लेकिन बेनिफिट जो प्रिंसिपल है टैक्सेशन का उसको फॉलो कर रहा है। बेनिफिट क्या है, जो जितना फायदा उठा भाई दूसरे कम फायदा, मतलब रॉकेट वर्क फायर वर्क उतना ही है, लेकिन मैं उसे मेरी प्रेफरेंस ज्यादा थी, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को कम अच्छी लगती है। कोई कह यार क्या तमाशा हो रहा है एनवायरमेंट, कोई बिल्कुल नहीं पसंद करेगा साहब, मैं तो एक पैसा नहीं देने को तैयार करूंगा, पॉल्यूशन और कर रहा है उससे, पॉसिबल सारी चीजें हैं। तो यहां पर दूसरी चीज जो सीरियसली इसमें प्रॉब्लम है वो है कि लोग ऑनेस्टली अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील कर रहे हैं आपके सामने, एक दूसरी प्रॉब्लम हुई। यानी अगर ए को मालूम हो जाए, मिसाल के तौर पे वो अंदाजा लगा ले कि जो बी भाई साहब है हमारे वो कितना तक पैसा दे सकते हैं इस बात के लिए, अगर उनके सामने ये चॉइस है या तो ये या कुछ भी नहीं, तो इतना पैसा तो दे ही देंगे, ना के बराबर, जीरो के मुकाबले में, जो कुछ भी ना के मुकाबले में इतना पैसा देने को तैयार होंगे। तो मैं, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं अपनी चॉइस को उस तरह से एडजस्ट कर लूंगा, और इसका मतलब यह है कि दूसरे बंदे को एक अपनी प्राइस पे फोर्स किया जा सकता है अगर दूसरे का प्रीफरेंसेस को आप एंटिसिपेट कर लें, यानी अंदाजा लगा लें। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। और तीसरी चीज यह है कि बहरहाल लोग क्यों करें, क्योंकि पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, अगर प्रोवाइड की जाएगी तो मैं भी उसका बेनिफिशियरी होगा, नहीं होगी तो नहीं हो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, होगा तो मैं भी होगा, भले मुझे कितना ही पसंद हो। लेकिन होता क्या है, इसमें भी अगेन उसमें भी एक आस्पेक्ट ये है कि अगर मुझे पसंद है ये चीज़ के होनी चाहिए इस मौके पर, मैं बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हूँ, 26 जनवरी पे नहीं होगा फायरवर्क तो कब होगा, मैं हूँ यहाँ पर तो मैं चाहूँगा कि हो, तो मैं कहूँगा। लेकिन ये कहना कि अच्छा मैं ये सोच के नहीं बैठा रहूंगा साहब ना हो तो ना हो, मैं चाहूंगा कि हो, तो जाहिर है कुछ ना कुछ कॉस्ट में प्रिपेयर करने को रिवील करने को तैयार हूं, यार इतना चलो हम देने को तैयार हैं इस बात के लिए। तो पॉसिबिलिटीज थी, इसीलिए लिंडाल मॉडल जो था वो पॉपुलर हुआ। लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और इसमें इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दूसरे आदमी को फोर्स कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर, वो पॉसिबिलिटी बहरहाल बनी हुई है। और ये उसके अलावा कि ये प्रोसेस जो है वो अपने आप में टाइम टेकिंग और टीडियस हो जाता है। तो ये हुआ लिंडाल मॉडल। अब लिंडाल मॉडल के बाद और दूसरे डेमोक्रेसी में या दूसरे कोई तरीके हैं जिससे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या क्या बताती है, तो नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे वो है मेजॉरिटी वोटिंग रूल, कि हम मेजॉरिटी का वोट लेंगे तो जाहिर है जब मेजॉरिटी का वोट लेंगे तो दो के मुकाबले में हम तीन कर देंगे उसको। तो अगले वीडियो में आप उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।